नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी बहुत अच्छे हैं ना? बेटा, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 14, धोखेबाज सारस। ठीक है, सारस ये रहा, इसकी एक कहानी है बेटा। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए, किसी भी कार्य को करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो किस प्रकार से हम इस पाठ को पढ़ेंगे? कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में ढेर सारी मछलियाँ थी। सारस रोज भरपेट मछलियाँ खाता और मौज करता था, यानी सारस जो था वो तालाब में से मछलियों को पकड़कर खा जाता था। ऐसे ही कई साल बीत गए, सारस बूढ़ा हो गया। अब वह आसानी से मछलियां नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था ना। जो हाथ लगती उससे उसकी भूख नहीं मिटती थी, क्योंकि अब सभी मछलियों को समझ में आ गया था कि सारस उन्हें खाने के लिए आता है। इसलिए जब वो पकड़ता तो मछलियां दौड़कर पीछे की तरफ भाग जाती, तो अब वो उसके हाथ नहीं लगती थी। उसको चिंता होने लगी कि इस तरह तो वह भूखा मर जाएगा। उसने एक चाल सोची, यानी कि एक उपाय सोचा। वह तालाब के किनारे मुंह बनाकर खड़ा हो गया। तालाब की मछलियाँ, मेंढक और केकड़े हैरान थे, यानी तालाब में कौन रहता था? मछलियाँ, मेंढक और केकड़े। वो हैरान थे कि सारस अब मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ता और इतना दुखी क्यों है। एक केकड़े ने उसके पास जाकर पूछा, कहो काका, यानी केकड़ा उसको सारस को क्या बुलाता था? काका, आज गुमसुम क्यों खड़े हो? मछलियाँ मछलियाँ नहीं पकड़ोगे? सारस ने कहा, क्या करूं भतीजे। अब जो सारस था वो केकड़े को क्या बुला रहा था? भतीजे, बात ही ऐसी है, मैंने जीवन भर मछलियां खाई हैं। यह सोचकर दुख होता है कि अब जल्दी ही सारी मछलियां मर जाएंगी। तो केकड़े ने पूछा, क्यों काका, मछलियां क्यों मर जाएंगी? सारस ने कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि वह इस तालाब में मिट्टी भर देंगे और उस पर खेती करेंगे, यानी तालाब सारा सूख जाएगा और उस पर वो मिट्टी भरकर खेती करेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि मछली तो पानी में जिंदा होती है ना बेटा। तो जब मछलियों, केकड़ों और मेंढकों ने सारस की बात सुनी तो वे डर गए। वे सब मिलकर सारस के पास गए और कहने लगे, काका, यह तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब इस मुसीबत से बचने का उपाय भी तुमको ही बताना होगा। सारस ने कहा, पास ही एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है, उसको ये लोग आसानी से पाट नहीं सकते, यानी उसमें मिट्टी नहीं भर सकते। यदि तुम लोग चाहो तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। मछलियों ने कहा, आपके अतिरिक्त हमारा और कौन है काका, हमें उसी तालाब में ले चलिए, क्योंकि वो उसकी बातों में आ गई। मछलियों में झगड़ा होने लगा, हर एक चाहती थी कि सबसे पहले वह जाए। सारस ने कहा, आप लोग आपस में झगड़ा न करें, मैं बारी बारी सबको पहुंचा दूंगा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शीघ्र यानी कि जल्दी थक जाता हूँ। एक बार वहां तक उड़ने के बाद मुझको थोड़ा आराम करना होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने अच्छे से रीड करना है।